मैं नीरज शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय जागरूक हिंदू महासंघ। आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, हम लोगों ने यही सोचा कि इसीलिए इस प्रोग्राम के बारे में, तीज का भी महोत्सव है तो दोनों को मिला के नारी शक्ति के लिए, नारी सम्मान के लिए हम लोगों ने मुहिम रखा है। बस आज की दिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि हिंदू संगठित हो। अगर संगठित नहीं होगा तो आगे आने वाला जो समय है, सभी को पता है, कुछ नहीं कर पाएंगे हम लोग। बहुत ज़्यादा समय नहीं है, अगर संगठित नहीं हुए तो बिखर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। मेरा नाम डॉक्टर शशि बाला राठी। जी, कार्यक्रम ये बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे सुंदर ढंग से ये संजोया हुआ है, और प्रत्येक चेहरे पे मैं यहाँ देख रही हूँ कि एक अलग तरह का उल्लास नज़र आ रहा है। और जिस भी कार्यक्रम में यहाँ जो कार्यक्रम चल रहा है, इवेंट्स हो रहे हैं, उनमें सभी में बढ़ चढ़ कर ये महिलाएँ और हमारी बहनें भाग ले रही हैं, और जो कॉन्फिडेंस लेवल इनके चेहरे पर नज़र आ रहा है, वो लगता है निश्चित तौर से भारत की आधी आबादी भी संघ में पैर चलाना उसने शुरू कर दिया है, साथ में चल रही है, दौड़ रही है, और उसी ऊर्जा के साथ वो कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ गई। आज का कार्यक्रम डबल कार्यक्रम है ये, एक तो सावन का महीना चल रहा है तो महिलाएं हर्षोल्लास से तीज का महोत्सव मना रही हैं इसमें, और दूसरा 15 अगस्त आने वाला है तो आज़ादी का अमृत महोत्सव, इस साल आज़ादी को 75 साल पूरे हो रहे हैं, उसका भी उल्लास महिलाओं में है, तो ये डबल सेलिब्रेशन का आज का कार्यक्रम है।